आज हम बनाने वाले हैं भरवा शिमला मिर्च। तो मैंने शिमला मिर्च को अच्छे से धो के सुखा के इनको जीरा लगा दिया हुआ है। चलिए बनाते हैं। इसमें दो छोटे प्याज और थोड़े से 10 कलियाँ लहसुन, इसको हम हल्का पीस लेंगे, ज़्यादा महीन नहीं करेंगे। ये लहसुन और प्याज का पेस्ट हमने बना लिया हुआ है, ज़्यादा महीन नहीं किया हुआ है। चलिए बनाते हैं। मसाले हमने निकाल लिए हुए हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और ये धनिया पाउडर, ये स्पेशली इसके लिए मसाले हैं, और ये खटाई पाउडर, और नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हमने 1 पिंच हींग डाली हुई है, साथ ही हम इसमें हाँ। तो ये लहसुन प्याज हम पहले तेल में पका लेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का सा ब्राउन हो जाए बस, मामूली सा गुलाबी बस। उसके बाद जो हमने मसाले निकाले हैं इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। ये लहसुन प्याज हमारा कभी से थोड़ा सा पक गया, लेकिन हल्का सा गोल्डन होने लगा, ठीक है, हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। हमने जो मसाले निकाले हुए थे ये प्लेट में, ये सारे हम इसमें ऐसे ही ऐड करके उसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये हमें मिर्च के अंदर बनना है ना, तो इसलिए अभी हम फिर से मिर्च पकेंगे तो उसके साथ में मसाला पक ही जाएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जरा। बस 1 मिनट के लिए और इसको और पकाएंगे, फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। मसाले को इस तरह से प्लेट में निकाल के फैला के ठंडा होने के लिए रख दिया है। ये ठंडा हो जाएगा फिर हम शिमला मिर्च में इसको भरेंगे। इस मसाले को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया हुआ है, जैसे ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं इस मिर्च में इनको भरूंगी। हालांकि इसमें मैंने खटाई डाली हुई है, लेकिन थोड़ा सा नींबू और नट छोड़ देंगे ताकि इसमें थोड़ा सा और खटास आ जाए और ये और टेस्टी बने। तो मैंने इसमें नींबू निचोड़ दिया हुआ है। अब मैं मिर्चों की फिलिंग करती हूँ। तो सबसे पहले इस तरह से मिर्चों को मैंने जीरा लगाया हुआ था ना, तो इसमें थोड़ा सा मसाला इस तरह से लेके और हल्का हल्का सा इस तरह से इसमें फिल करना है। देखिए ये फिलिंग मैंने कंप्लीट की। इसी तरह से दूसरे मिर्च में हम फिल करते हैं। ये मेरे सारे मिर्च भर के तैयार हो चुके हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, ये मिर्च हमने भर लिए हैं सारे। अब मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है 1 चम्मच बड़ा। अब तेल भी हमारा लमसम गर्म गर्म ही हो गया है। अब इसमें हम ये मिर्चों को इस तरह से सारे मिर्च को तेल में डालेंगे, अच्छे से सारे मिर्चें इसमें कढ़ाई में अरेंज कर देंगे। अब सारे मिर्च मैंने कढ़ाई में इस तरह से ऑयल में रख दिए हैं और फ्लेम को एकदम लो कर दिया हुआ है। अब इसको हम करीब 5 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे। 5 मिनट बाद मैं उनको ओपन करती हूँ, ये देखने के लिए कि उनकी क्या कंडीशन है। तो देखिए हल्का हल्का हमारे मिर्च पकने लगी है। इनको हम पलट देते हैं, जिधर अभी नहीं पका हुआ है इस तरफ घुमा देते हैं सारे अच्छे से। देखिए 5 मिनट बाद हम इसको ओपन करके चेक कर पा रहे हैं। तो देखिए कुछ कुछ मिर्च हमारी पक चुकी है, तो मैंने इसको पलटा हुआ है। अब सारे अच्छे से हम सारी मिर्च को अच्छे से पलट देंगे, जिधर कच्ची है उधर भी अच्छे से पक जाए। अब हम इन्हें ढक के नहीं पकाएंगे, ऐसे ओपन करके ही पकाएंगे। फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे, अभी तक लो थी अब मीडियम कर देंगे। सभी मिर्च को मैंने अच्छे से पलट दिया हुआ है। अब इसको मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक और पकाते हैं, ओपन ही पकाएंगे, अब इसको रख के नहीं पकाएंगे। तो आपकी ये भरवा मिर्च बनके तैयार है, आप इसे सर्व करिए। थैंक यू।